हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो टाइटल पढ़ के समझ ही चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो अभी आ चुके हैं हम सरोजनी नगर में। तो पीछे ही साइड पे वो अभी हम लेके चलते हैं आपको, तो चलिए चलते हैं। सैटरडे के टाइम पे कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे मिलेगा क्या। वैसे तो सुना है लड़कियों के लिए ना जन्नत है ये, बहुत सस्ता सामान मिलता है, लेकिन अभी पता करते हैं कि लड़कों के लिए भी मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ। आओ, सो गाइस हम आ गए सरोजनी के मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे सैटरडे जो था। तो गाइस 60 रुपीज़ में यहाँ पे टी शर्ट मिल रही थी एंड क्वालिटी वॉज ओके, नॉट सो गुड बट ठीक था। 60 रुपीज़ में आपको घर पहनने के लिए मिल सकती है एंड इधर उधर जाने के लिए। आज के टाइम में 60 रुपये में आते ही है। और वैसे भी हम सैटरडे को गए थे यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे और भी काफ़ी थी यहाँ पे। तो दिखाते हैं आपको आगे का। और ये देखिए यहाँ पे ये क्या लेके खड़ा हुआ हूँ मैं, ये तू पहनेगा क्या? हाँ जरूर, देख रहे हो गाइस इसको कितना शौक आ रहा है। गाइस देखो मेरी चॉइस कितनी अच्छी अच्छी है ना यहाँ पे, कितना मजा आ रहा है। लड़कियों की टी शर्ट उठा के मैं खुद चेक कर रहा हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है। आने वाले फ्यूचर में अगर कोई मेरी गर्लफ्रेंड या बनेगी तो उसको यहीं से ले जाके मैं दे दिया करूँगा ना, जारा बना के। जारा नहीं, जारा होता है। सो खैर इसके जारा को इग्नोर करिए गाइस आप। बाकी ठीक है, ये मार्केट अच्छी थी। यहाँ पे आपको जहाँ तक है 60 रुपीज़ में मिल जाएंगे कपड़े। स्टार्टिंग 50-60 रुपीज़ है। 200 रुपीज़ में देखो आपको ये मिल जाएंगे ट्राउज़र्स, लोअर पैंट्स एंड बहुत कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो 50-50 रुपीज़ में वुलन क्लोथ मिल रहे हैं। मुझे तो वुलन क्लोथ सही लगे, लाइक ठीक लगे। 50-100 रुपीज़ में आपको क्या ही मिलता है यार वुलन में। सही में यहाँ पे हैंकी आते हैं 50-50 रुपीज़ के। और बट ये कैजुअली पहनने के लिए, लाइक घर पे पहन लो या थोड़ा इधर उधर जाने के लिए बेसिक सा, उसके लिए आप ले सकते हो। देखो ये ठीक है, बंदा परचेज कर सकता है। बाकी देखो मैं कैसे चेकआउट कर रहा हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा, कि सब कुछ लेके जाऊँगा और लड़कियों का चेकआउट कर रहा हूँ, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। ये इयर रिंग्स देखे थे मैंने, 30-50 रुपीज़ अलग अलग प्राइस थे इनके। ठीक थे ये भी, ये झुमका। तो लड़कियों बताओ ये कैसे लग रहे हैं। हाँ इसको भी बताना प्लीज। हाँ कॉमेंट बिल्कुल, अगर किसी को चाहिए झुमका तो यहाँ पे मैं दिला सकता हूँ। बिल्कुल ये दिलाएगा, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट, स्टॉल दिला देगा पूरा स्टॉल। एक बार बस मैसेज कर दो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगा। कॉमेंट में अपना बस पिन कर देना, एक कॉमेंट कर देना कि आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, पर्सनली मेल करेगा आपको। यस मुझे तो लग नहीं रहा विक्की तेरे लिए कुछ मिलेगा यहाँ पे। आई थिंक वो आ गया तेरा पॉइंट। 200 रुपीज़ ना, इतने भी तो मिल जाए। तेरे क्या उठा के ला रहा है विक्की। तो एक बार फिर दोस्तों हमें ये मिली जीन्स जो कि स्टार्टिंग ₹150 थी। बट ट्रस्ट मी गर्ल्स, यहाँ से मत लेना, मैं जेन्युइनली बताऊँगी स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैं कभी यहाँ की ट्राई नहीं करती, ना मैं कभी करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा रिस्की। आई स्टिल रिमेंबर मेरे एक ट्यूशन में लड़की थी, आई वाज इन 11th क्लास में भी, तो उसने वेयर करा हुआ था एंड उसकी जीन्स फट गई थी। तो प्रो टिप यही है कि आप यहाँ पे जब भी कुछ लेने आओ, लड़के ले सकते हैं, उनका क्या जाता है यार, लड़के पहनो, तुम्हारा जाता क्या है। जीन्स फिर भी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। हाँ यार जीन्स की तो होनी चाहिए क्वालिटी अच्छी, वरना मत लो। लाइक तुम एक शॉप से ले लो थोड़ी अच्छी सी। एंड गाइस ये देखो 999 में, तो मैं ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने टैग लगा रखे हैं, वी डोंट नो कि इतने का है नहीं है, बट ये 99 रुपीज़ में मिल रहा था, लाइक 100 रुपीज़ में मिल रहा था, 100 रुपीज़ में मिल रहा था यहाँ पे, और 999 के टैग थे। और जैसे मैं दूसरा एक और पीस उठाऊंगा उस पर भी 999 था। ऑलमोस्ट सब पर ही इन्होंने टैग्स लगाए थे, सर्दियों के लिए था, इसमें भी 999 लिखा हुआ था। तो ये भी 100 रुपये में मिल रहा था, आप जैसे ही देख पा रहे हो। बट ठीक है यार, घर पहनने के लिए सही है ये, रात को ना ये वाले जो लोअर हैं, सर्दियों में पहनने के लिए ठीक है। ठीक है पहन के अपने घूम ले फिर ले। ये देखो ये कह रहा मुझे पहनने कितना ज्यादा तरस रहा है ना तू लड़के के कपड़े पहनने के लिए। मुझे बड़ा मजा आता है ना ये ट्रोल करने में। मुझे कोई मजा नहीं आ रहा, वो पब्लिक देख रही है, आप दुनिया वाले सब देखना कि इसको कितना मजा आ रहा है। मैं नहीं देख रही कि मेरे पे क्या सही लग रहा है क्या नहीं, ये देख रहा है ये देखो ये कैसे कपड़े हैं कैसे नहीं, तो एफर्ट देखना मेरे। सो गाइस ओवरऑल मार्केट ठीक है, भीड़ थी भी नहीं भी थी। देखो सैटरडे को था तो थी भीड़, अभी यहाँ पे नहीं दिख रही आपको, आप दूसरी जगह पे जब चलोगे आगे तो आपको दिखेगी।
लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखो जॉगर्स मिलेंगे आपको 350 के, 150 में टी शर्ट मिल रही थी, काफी बढ़िया थी ये जिम वेयर थी। तो अगर किसी को चाहिए यहाँ पे जिम वेयर के लिए स्टफ, ओके ओके था, बंदा आराम से ले सकता है यहाँ पे। हाँ पॉलिस्टर है यहाँ पे, आप जैसे वाटर पार्क वगैरह भी जाते हो तो वहाँ पे भी ये काम में आ जाती है। आप वहाँ पे रेंट पे लेते हो तो क्या ही फायदा पड़ता है, तो इससे अच्छा तो यही है 100-150 रुपए की यहाँ से लेके जाओ वाटर पार्क जाओ, ठीक है। जिम लवर्स यू कैन, आप जिम में भी इसको पहन सकते हो। गेट दिस वन, इट इज 10/10 फॉर जिम वेयर। हाँ 150 में, 150 में भी आके वर्थ है, ठीक है, वर्थ है। वैसे कुछ तो आ ही जाता है 150 में, काइंड ऑफ स्वेट प्रूफ है तो ठीक है। आप लोग ले सकते हो, ये ट्राई कर सकते हो यहाँ पर आकर। इनके पास काफी सारे कलेक्शन थे, काफी सारे इसमें मतलब देखो ब्लू कलर कितना सही लग रहा था, चेक करो। ठीक है ये वाला कलर मुझे इतना खास नहीं लगा, ये वाला अच्छा है, वाइट, वाइट इज नाइस। और भी एक था ब्लू की बात क्या लगा, अभी देखो एक और मैं लाइट कलर उठाऊंगा। लाइट कलर वही बताया था मैंने तुझे, अच्छा हाँ यही वाला ब्लैक, ये भी अच्छा है। एडिडास लिखा हुआ है, अगर किसी को एडिडास पहनना हो 150 रुपए में तो ले सकता है, आपको बिल्कुल भी एकदम प्रीमियम लुक आएगी। अब ये मत बोलो कि ओरिजिनल है, डोंट से हां 150 रुपए में आप घर आके मारेंगे। 150 रुपए में आप पूरे के पूरे क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, छोड़ छोड़ बिल्कुल बिल्कुल प्रीमियम लुक। तो ये देखो गाइस 150 रुपीस में आपको ये भी मिल रही थी पैंट जो पीछे चली गई है, हां जी ठीक है। चलो और ये 200 रुपीस में मिल रहा है, मतलब मोस्टली 100, 200, 150, 50, 60, 80 इतना ही जाता है यहाँ का। ये वुलन क्लोथ भी मुझे सही लगे, नो वंडर लड़कियाँ यहाँ पे इतना ज्यादा क्यों आती है। मुझे गाइस देखो पर्सनली बताऊँ तो वुलन क्लोथ के लिए ज्यादा बेटर लगती है मार्केट, 100 रुपीज में अगर आपको ऐसे मिल रहे हैं तो कोई माड़ा नहीं है, आई मीन बुरा नहीं है कुछ। बाकी टी शर्ट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं, ये अपने पहनने के लिए ये भी देख रहा था, ये कह रहा था मेरे को बताओ मेरे पे जचेगा, तो ये तो मैंने इसका वॉइस बंद करा है यहाँ पे, मेरी फ्यूचर होने वाली के लिए। हाँ फ्यूचर होने वाली, पहले तू तो हो जा। मैं तो हो रखा हूँ ना, अभी हो रखा हूँ। लड़कियों के कपड़े देखो, ये देखो, देखो इस वीडियो में ना कमेंट आ जाएगा मेरे को, तो मेरी सेटिंग पक्का है। ये कितना खुश हो रहा है, ये देखो कह रहा है मेरी, ये कह रहा है मेरी हाइट पे ज्यादा लगेगी। हाँ मेरे को नीचे शॉर्ट्स नहीं पहनना पड़ेगा ना, एक ही बार में बेल्ट लगा लूंगा जैसे लड़के लगाती हैं। देखो लड़कियों की बेल्ट तक ध्यान रखता है ये, बिल्कुल रखना पड़ता है ना, अटेंशन टू डिटेल बोलते हैं इसको। अच्छा हाँ जी, तो बाकी देखो कितनी फटाफट से दिखा रही है, जैसे सेल्स वाली यही है, ये सब कुछ यही बेचती है। मैं देख रही थी और वीडियो बना रही थी कि ठीक है, बट ये वाला ठीक है, ये जो इसने निकाला जस्ट अभी, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है क्योंकि ये मुझे ठीक लगा। अगेन यहाँ पे हमें 200 रुपीज में ये मिले। हाँ, यहाँ पे भी मैं ट्राई करके दिखाऊंगा आपको, लोअर पैंट्स जो आजकल लड़कियाँ बहुत पहनती हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल फॉर्मल्स में मेहनत में पूरी कर रहा हूँ यहाँ पे विद अ शर्ट। ये देखो अपने पे जो छुआ रहा है कि मेरे को जो ये दिला दे, मैं ये पहनूंगा। एक बार वैसे तरस रहा था कि मैं बोल दूं कि विक्की ले ले चल यार, तू भी पहन लियो। अरे तुझे पता नहीं है ना मैं सैटरडे संडे यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ ना, ये सब कुछ ऐसे दिखाता भी हूँ। तभी तो तुझे पता था ना यहाँ पे क्या स्टॉल लगा हुआ है, तभी तो वहीं पे भागा भागा लेके चल रहा था, चल चल यहाँ देखे। वही कुछ तो फायदा होना चाहिए ना मेरे एक्सपीरियंस का। देखो ये देखो, ओए है डेस्परेशन, डेस्परेशन नहीं है, मेरे हाथ में थोड़ा सामान आ गया था तो गिर गया इससे थोड़ा सा, कोई सामान नहीं आ गया। ये देखो अपने से लगा के देख रहा है, ये जाएगा मेरी हाइट पे, ये लग रहा है मेरे पे सही। जो भी भाई अगर वो लेना चाहेगा उसके लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, खूब जचेगी तेरी बंदी पे ये पैंट, ले ले क्या बोलेंगे अपनी बंदी पे। मैं भूल गया थोड़ा डायलॉग, अगर याद आएगा मैं आगे वाली लाइन तो कर रहा था ना बैठ के वहाँ पे। हाँ लेकिन ये जो विंटर के वियर है खूब जचेगी तेरी बंदी पे, नहीं ऐसा नहीं है यार कुछ है इसका। नहीं पहले विकी लर्न करके आ फिर बताइयो, बेइज्जती मत कर आपने। अरे खूब जचेगी ठंडी में ये स्वेटर तेरी बंदी पे, याद आ गया मुझे। हंसना था, बिल्कुल हंसना था। चुप रह, अब जो भी यहाँ से लेके जाएगा तो सेल्समैन को बोल देना मेरा 50 रुपए कमीशन रखेगा। अच्छा हाँ, तो उसको मैं बोल के आया था कि मेरी वीडियो के थ्रू जो भी यहाँ पे लेके आ रहा है उसको बोल देना कि विक्की नाम के प्राणी को 50 रुपए पेटीएम कर दो। ओके सो दोस्तों इसके बकवास को इग्नोर करते हुए हम आगे आ जाते हैं। ये 100 रुपीज के यहाँ पे शर्ट्स वगैरह है, तो नाइट लग रहा था मुझे, सॉर्ट ऑफ नाइट वेयर लग रहा था कि रात को ही। हाँ मतलब बहुत मेरे को कूल लगी ये वाली शर्ट, लेकिन लड़कियों की निकली अनफॉर्चुनेटली। ऐसी ऐसी चीजें कूल लगती है, देख रहे हो क्या करे अब। खर्चा तेरा भाई करेगा, ऐसे मैं उसको नहीं भाई बोला गाइस।
रहेगा, आपने सुना खर्चा तेरा भाई करेगा। ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, बस यही बोलूंगा जो भी तूने लिया खर्चा देगा तेरा पिया। ये देखो गाइस ये भी मिल रहा था यहाँ पे, ये बॉटल वगैरह, ये पता नहीं क्या क्रॉकरी का सामान है यहाँ पे, ये अपना दहेज का सामान देख रहा था यहाँ पे। ये बॉटल मुझे अच्छी लग रही थी, ठीक थी बट ठीक है, कूल थी ये एक तरीके से, कलर अच्छा था, मुझे इसका कलर अच्छा लगा, सॉर्ट ऑफ रेनबो टाइप। हाँ बट ठीक है, बाकी मेरा हेलमेट देख लो यहाँ पे, ये सामान तो कुछ लेती नहीं है, मेरे को पकड़ा रखा है इसमें। अच्छा मैंने तो कुछ पकड़ नहीं रखा ना, जैसे हाँ बॉटल दिखा रही ना अपने वीडियो के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे फुटवेयर का भी है, ये राइट साइड, मैंने पूछा नहीं था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, बट ठीक है बच्चों का ही मिल जाता है यहाँ पे राइट साइड में 100 रुपीज़ में। ये खाने पीने की चार्ट थी जो हाइजीनिक नहीं थी बिल्कुल भी, ओपन में रखी हुई थी। फिर हमने ये ट्राइपॉड चेक किया और सेल्फी स्टिक चेक करी, हमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इट्स बेटर करोल बाग से ले लो या फिर ऑनलाइन मंगा लो। ये सेल्फी स्टिक थी और रोई कह रहा था 100 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की कह रहा था ये, और एक ट्राइपॉड मैंने चेक किया था उसकी, ये सॉक्स दे रहा था 50 रुपीज़ के, ट्राइपॉड के 550 कह रहा था वो, और फिर मैंने पाउच पे पूछा था ये भी 150 रुपीज़ का था मेकअप पाउच। हाँ हम चलते रहे। बाकी देखो आज है ना वैसे मैच था इंडिया पाकिस्तान का, तो लड़कियां ही ज़्यादा थी और बेचारे कुछ लड़के थे। ये भैया हमें 150 रुपीज़ में दे रहे थे ये बेल्ट, 150 ना नहीं 350 में दे रहे थे भैया। हाँ मुझे याद नहीं, कहते देखो घुमा के दिखा रहे क्वालिटी चेक करा रहे। अरे इस तरह से बेल्ट कौन पहनता है यार भाई, ये कौन कौन मोड़ता है इस तरह से बेल्ट। तो हमें बेल्ट अच्छी नहीं लगी थी, हम आगे चले गए थे, देन हमने ये टॉय शॉप से पूछा था, ये नीचे के सारे टॉयज इनके स्टफ टॉयज 100 रुपीज़ के थे, एंड ऊपर वाले अलग रेट थे, बाकी नीचे वाले क्यूट लग रहे थे। और इसमें एक मजे की बात ये है, मैं और मेरा दोस्त गए थे गेमिंग जोन में खेलने के लिए, गेमिंग जोन होता है जोन, अरे हम देसी आदमी ऐसे बोलते हैं, तो जो मैंने अभी पिछले वाला दिखाया था ना स्टफ टॉय, हमने बड़ी मेहनत करके वो जीता था वहाँ पे 50 रुपीज़ के, तो गाइस इसने गेम खेले थे जिसमें से 100 रुपीज़ में जीता था स्टफ टॉय। इसीलिए 2 मिनट के लिए हम मौन रख लेते हैं। अरे हम तो गेमिंग जोन वालों ने हमारा ऐसा काटा जैसे मेरी एक्स ने मेरा काटा था पहले। ये तुम लड़के तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है और ऐसे ही होना चाहिए। ये वुडलैंड की कॉपी का हमें वॉलेट मिल रहा था, हमने ये बॉटल पता करी। हाँ तो हमारे साथ हुआ ये, हमने बॉटल पूछी थी इसे 100 रुपीज़ की, जो छोटी सी बॉटल इसने हमें दिखाई है, उसके बाद हमने इस बंदे को पेटीएम कर दिए, लेकिन क्यूट सी बॉटल थी काफ़ी, तो इसने मेरे दोस्त ने अपने नीस के लिए लिया था ये, देन हमें कहता 100 रुपीज़ की है, हमने पेटीएम कर दिया। जब हम जाने लगे तो ये है ना, तो अपने मालिक से चेक करा रहा कि 200 रुपीज़ आए होंगे, लेकिन पता चला कि मैंने 100 किए थे, कहता 200 रुपये के उस टाइम पे। तो एक सेकंड में इसका जज्बात बदल गए, बंदा ही पलट गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, जिंदगी बदल गई, सब कुछ बदल गया भैया। तो हमने क्या किया, हमने वापस वर्थ नहीं लगी, तो 200 रुपीज़ में ये बॉटल वर्थ नहीं लगी बिल्कुल भी। फ्लास्क मिल रहा था सच 200 रुपीज़ का, जिसमें टेम्परेचर भी हम लोग देख सकते हैं पानी का, जो एक टाइम पर आके ख़राब हो जाता है, मैंने यूज़ किया हुआ है, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता फ्लास्क, एंड उसे पानी थोड़ा सा ना बॉटल स्मेल करती है थोड़े टाइम बाद। ये लेडी से लड़ रही है, 50 का लगा ले, 100 के 2 दे दे, एंड ही वाज लाइक 1 रुपया नीचे नहीं करूंगा मैं। लड़कियों की बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, बट स्टिल वो नहीं ले पाई, सेल प्राइस पे जाके भी वो बोलती है कि कम कर लो यार। अब बहुत बार होता होगा कि आप जाते होगे अपनी मम्मियों के साथ, तो बोलता होगी शॉपकीपर कहता होगा 1000 रुपये की चीज़ है, तो मम्मियाँ सीधा बोलती है 200 रुपये में देनी है तो दे, और ऐसे करते करते उनकी बार्गेनिंग स्किल इतनी अच्छी होती है, वो 300-400 रुपये में ले ही लेती है। हाँ क्योंकि सबको पता होता है, सारी फीमेल्स को पता होता है कि कौन सी चीज़ कितने की ही मिलनी चाहिए और कितने की होती है, तुम लड़के होते हो बेवकूफ़। और बाकी लड़के ऐसे होते हैं 400 रुपये के बोलेगा शॉपकीपर तो 500 रुपये दे के आएंगे वापस से उल्टा उसको, तुम्हारा कटता है ऐसे ही है, तुम लड़कियों से भी कटवाते हो। अरे हम बड़े भोले होते हैं ना, भोले तुम सालों, हमें कुछ नहीं चाहिए, दुनिया को बेच खाओ, इतने तेज होते हो लड़के, हम इतने भोले होते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आसपास के लोग, तो आसपास के लोग हमारे खुश रहे, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए होता, बेशक हमारा कितना ही कटता रहे, दुनिया कितना काटती रहे, हम फिर भी स्माइल करते रहेंगे, हंसते रहेंगे, खुश रहेंगे। कितना शरीफ बन रहा है, कितना शरीफ बन रहा है। तो गाइस अगर कोई मेरी बात से सहमति रखता हो तो कमेंट में जरूर बताना। नहीं गाइस मत बताना, ये बहुत तेज है, मैं बिल्कुल तेज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सच्ची बात बताऊं। 100 रुपीज में आपको ये भी मिल रहा था, ये जो समर टाइप
वियर है। नाम मतलब भी नहीं पता लड़कियों का इसमें। अरे यार सब कुछ मिक्स है इसमें, शर्ट है, टॉप है, नाइट वियर है। तुझे बड़ा शौक है नाइट वियर का, मुझे तो कहीं से नाइट वियर नहीं दिख रहा है इसमें कुछ। सबसे पहले वाले भी इनको नाइट वियर ही लगे। ये वाइट कलर की शर्ट है इसमें, ये और भी है, मतलब ठीक ठाक कपड़े थे। ये वाले मुझे इतने खास नहीं लग रहे, बट ठीक है, ओके ही थे, नॉट सो गुड। तुमने ऐसे कुछ भी नहीं लिया? बाकी एज इट इज मैं अपनी जॉब करता हूँ यहाँ पे दिखाने का काम। फिर से हमें दुकान वाले भैया यानी कि विक्की जी हमें दिखा रहे हैं। भैया ये वाला दिखाओ। रुको रुको, अभी मैम सारा 50 में मिलेगा आपको। नहीं भैया 20 रुपए दूंगी मैं तो। अरे आप रुमाल थोड़ी ले रहे हो, आप यहाँ पे जो आपको 20 रुपए में मिल जाएगा, कुछ तो बढ़ाओ ना रेट यहाँ पे। नहीं यार ये तो सरोजनी नगर है, इतने में तो मिल जाना चाहिए। ये तो गलत बात हो रही है, आप सरोजनी नगर का फायदा उठा रहे हो। मुझे नहीं लेना। ठीक है मैम आगे जाओ। ठीक है निकलो। ओके सो गाइस यहाँ पे विंटर क्लोथ भी है, ये जो कोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बट मुझे ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी देखना थोड़ा टाइम बाद और उनके पास और वो आएगा, स्टफ आएगा, स्टफ आएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। प्लस मेरा ये मानना है कि आप अभी थोड़ा टाइम और रुक कर आओ एंड वीकडेज पर ही आओ, वीकेंड पे तो बिल्कुल मत आना, एंड वीकडे पे भी मंडे या ट्यूजडे ही आया करो जहाँ तक तो मुझे ठीक लगता है। ताकि इतने भीड़ ही मिलेगी बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से ना बार्गेनिंग भी कम ही कर पाते उस टाइम पे। फिर ये 100 रुपीज़ में बच्चों के क्लोथ है, ठीक है। एंड देन और हमारे साथ एक आगे फनी इंसिडेंट हुआ था, वो फनी इंसिडेंट अभी होगा हमारे साथ। हमें एक खुद शॉपकीपर हमें बुला के लेकर जाएगा कि हम ऐसी रैंडमली है ना वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, तो वो हमारे पास आए और सीधा बोलने लगे कि मैम आइए आइए आप अंदर जाके हमारा भी व्लॉग बनाइए ना। तो अभी दिखाते हैं दोस्तों वो इंसिडेंट हमारे साथ अभी होगा। तो हमें ये 100 रुपीज़ की डेनिम जैकेट्स भी दिखी थी जो कि अच्छी थी, वर्थ है लेने में 100 रुपीज़ में जैकेट, ठीक है। अभी जैसा मौसम आ रहा है अक्टूबर का नवंबर का, तो ये बंदा पहन सकता है नीचे एक हाई नेक के साथ, या आजकल तो इतनी लड़कियां मतलब ड्रेसिंग सेंस में स्टाइलिंग कर लेती हैं इतना बढ़िया, तो वो भी कर सकते। बाकी 200 रुपीज़ में ये भी था, ये वाला मुझे अच्छा लगा था, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक थी बट ओवरऑल ठीक था ये। देन हमने ये बैग्स वगैरह देखे, ये बैग्स मुझे वर्थ नहीं लगा, 900 रुपीज़ का बता रहे थे भैया। ये मैंने LV वाले पैटर्न में देखा था, मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी, लेने को चाहे 2000 का भी हो बट क्वालिटी तो वो अच्छी, बट ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, ठीक थी ओके। एंड इसका कलर गंदा लग रहा था येलो। एंड देन ये भैया आए हमें बुलाते हुए लेफ्ट में, ब्लैक वाले, ब्लैक शर्ट वाले। देन उन्होंने हमें कहा कि आपकी वीडियो बना लो हमारी कलेक्शन की। दिखा दो भैया अपने प्राइसेस स्टार्टिंग वाले, ये दिखाएंगे ना 200 में और ये 350 में, सब डेनिम शॉर्ट्स भी मिलेगा, स्कर्ट मिलेगी, डांगरी मिलेगी, ये सब 350 में ना। डेनिम शॉर्ट्स 200 है, 200 रुपीस में डेनिम शॉर्ट्स दिखाइयो। सो गाइस ये 350 रुपीस में जीन्स है यहाँ पे, कोई सी भी शॉर्ट्स इज जस्ट रुपीस फॉर 200 एंड बाहर वाले इज आल्सो फॉर 200। चल आ जाओ, ये सब 200 रुपीस के हैं। हाँ ले लो ले लो, चल तो दोस्तों फिर से हमें दिखे गोलन की अपर वियर जो कि 80 रुपीस के थे, मुझे ये भी ठीक लगे, ये बेज कलर में भी अच्छा है काफ़ी, एंड क्वालिटी वॉज ओके इसकी, अच्छी थी क्वालिटी, इतना बुरा नहीं था। 80 रुपीज़ में क्या ही आता है यार, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वर्थ लगा है। बाकी ब्लैक कलर में भी था। चल यार
देन हम आके चलते गए, इयर रिंग्स थे, काफ़ी कुछ था, बेल्ट, इयर रिंग्स, पजामास टाइप एंड हैंड बैग्स। देन हमें लोअर मिल रहे थे 200 रुपीज़ के। गाइज मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप आओ ना तो थोड़ा सा वेट कर कर आना, लाइक अभी 15-20 दिन रुक के, इनके पास तभी आएगा स्टफ, विंटर कलेक्शन आएगी प्रॉपर। अभी ना बिल्कुल मिक्सअप हुआ पड़ा है, थोड़ा सा गर्मियों का, थोड़ा सा फिर सर्दियों का, तो इतना अच्छा नहीं था। फिर दोस्तों घूमते फिरते हमें आए यहाँ पे पाव भाजी खाने। सो लेट्स सी कैसी होती है इनके पाव भाजी यहाँ के। यहाँ पे मोमोज थे, पाव भाजी था, यहाँ पे इनका मेन्यू ये रहा, काफ़ी कुछ था। यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में भीड़ थी, तो सिटिंग एरिया हमें मिला नहीं क्योंकि वो फुल था ऑलरेडी। लेफ्ट हैंड साइड सामने बिल्कुल विक्की के जस्ट पीछे ये इनकी पाव भाजी, लेट्स ट्राई आउट। ओके ओके है आप एक बार ट्राई कर सकते हो, नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, मैंने अच्छी तो रेट करूँगा मैं इसको 3.5। हमें पाव भाजी तो अच्छी लगी नहीं, तो फिर हम घूमते फिरते और कुछ देखने के लिए चले गए। चाट खाने का हमारा मन नहीं था, सो हम आ गए ये मोमोज पॉइंट पे, जिनके मोमोज लिटरली में टेस्टी थे। ये है मोमोज वाले भैया, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये चाट के जस्ट लाइक राइट लेफ्ट हैंड साइड पर ही थे ये भैया। एंड दोस्तों इनके पास भीड़ भी थी काफ़ी, इनके पास वेज थे, पनीर थे, चिकन थे। हमने हाफ प्लेट पनीर मोमोज लिए थे क्योंकि हमने इसने ऑलरेडी पाव भाजी खा रखा था एंड मैंने भी खा लिया था थोड़ा बहुत, तो ऑलरेडी फुल थे, बट नो डाउट इनके मोमोज टेस्टी थे यार। तो दोस्तों फिर ये मोमोज के बाद आ गए यहाँ पे गॉगल्स की शेड की स्टॉल पर टाइम पास करने। इसको लेना कुछ नहीं होता, बस ये टाइम पास ही करता रहता है और ये हमेशा यही चूज कर रहे हो राउंड वाले इस तरह के। तो ये भैया का टाइम ख़राब करते हुए कैसे लग रहे हैं? 100 रुपये ही है। सही यार दे दो भैया। और दो भैया और सब बढ़िया, बस और खाली बॉल नहीं है क्या? आओ हंडिया चल बोल। सिर्फ 100 रुपीज में हमें बॉल मिले? बॉल कितने के भैया? 100 के थे, वैसा भी आपके भी 100 का 5 है। 100 के 5 है। थोड़ा सा आगे चलते फिर हम ये आ गए यहाँ पे चाट खाने के लिए। तो विक्की ने यहाँ पे आलू की चाट ली है, इनके पास वैरायटीज थी काफ़ी, बर्गर थे, टिक्की थी, चाट, दही भल्ले एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
कैसा? सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना। एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।